We'll be right back.
नमः शिवाय। कार्तिक, कार्तिक क्या कर रहे हो बेटा? सुसु कर रहा हूँ दादी। मुझे लगा ब्रश कर रहे हो। टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे हैं, जाके सो जाओ। सॉरी पापा, सॉरी माँ। बाय जिल, टेक केयर। ये रॉन्ग कनेक्शन है ना? क्या कह रही हो? जरा इन्हें देखना, उधर भाग रहा है। किसी ने देखा तो बदनामी होगी। क्या कर रहे थे? अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, क्या हो? चोर, चोर, पकड़ो। अरे पकड़ो उसे। हे भगवान, अरे अरे चोर है, चोर। अरे कोई पकड़ो, देखो वहाँ चोर है। ये क्या तुम यहाँ खड़ी होकर चिल्ला रही हो? सब चिल्ला रहे थे चोर है, चोर है, इसलिए मैं बाहर आ गई। पागल कहीं की, अगर तुम्हें कोई उठा करके ले जाता तो मैं क्या जवाब देता? मेरे पास भले ही पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास इज्जत जरूर है। याद रखना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस बात को अपने दिमाग में भर लो। चोर, चोर, पकड़ो, चोर, चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं, पकड़ो, पकड़ो, जल्दी, उस तरफ भागे, देखो उस तरफ, चोर, चोर, पकड़ो। हमने वहाँ जिसे देखा वो कुमार अंकल की वाइफ थी ना, उन्होंने भी हमें देखा होगा ना? देखो यही कहीं होंगे। चलो 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 चलो। हे भगवान, ये हमें चोर चोर कह रहे हैं, पर वो दोनों तो वहाँ कुछ कर रहे थे ना? चुप हो जाओ ना। आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, जल्दी चलो। जीजस, ये लोग चोर किसे कह रहे हैं? वहाँ किसने चोरी की, किसने कांड किया, किसी को कुछ भी नहीं पता है जीजस। हे प्रभु, बोलो किसी की भी नजर में ना आए, ना पकड़े जाए और ना ही मार खाए। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करना। कहाँ है? आ गए जीजस, अब आप ही इनकी रक्षा करना। आओ जल्दी आओ। अरे जल्दी अंदर चलो, जल्दी। अरे जल्दी चलो अंदर, जल्दी करो, चलो अंदर बैठो। सुनो भाई, इधर देखो, तुम्हें खाना मिले ना मिले लेकिन इसको खाना जरूर देना, समझे? ए मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए और इसको दुखी नहीं रखना, ठीक है? और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों प्यार से अपनी जिंदगी गुजारना। हे जीजस, अब आप ही इन लोगों की रक्षा करना। जीजस अभी भाषण बंद कीजिए और बोट निकालिए। हाँ ठीक है। सोच रही हूं फ्यूचर के बारे में।
हम गलती कर रहे हैं लग रहा है क्या? नहीं। तो फिर हमें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था ना? कौन से रास्ते से? हमारी वजह से अंकल आंटी को अलग होना पड़ा ना। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे तुझे कितनी बार समझाया कि मंदिर में फोन का इस्तेमाल करना मना है? लेकिन ये तो आपका ही है। मेरा है? माँ को कुछ हो गया है क्या? क्या हुआ नंदी? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। फादर। बोलो बर्गी सर। फादर बहुत जल्दी में जा रहे हो, क्या बात है? जान पहचान वाला मर गया, इसलिए उसे मिलने जा रहा हूँ। जान पहचान वाला कौन मर गया फादर? कौन कब मर जाएगा ये मैं कैसे बता सकता हूँ। आनंदी, मेरी पॉकेट में पैसे थे, वो कहाँ चले गए? मुझसे क्यों पूछो, मुझे नहीं पता। मेरे पर्स से तुमने कितनी बार पैसा निकाला है मुझे पता है। सच में मुझे नहीं पता जी। ऐसा 1000 रुपए रखे तो सिर्फ 100 रुपए ही मिले मुझे, 100 रुपए रखो तो सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। तुमने नहीं लिए तो किसने निकाला? क्या कहना चाहते हो, मैं चोर हूँ? चिल्लाओ मत, कोई सुनेगा तो हमें गलत समझेगा। कार्तिक, तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है क्या? नहीं। पर मैंने तो बोला है। इट्स ओके। टिकेट्स। 2 ऊटी। 2600 रुपए। ये लो बैलेंस रुपए। रख लो टिप्स है। 400 रुपए टिप्स में? 400 रुपए की टिप? चुप करो। हनीमून ट्रिप है क्या? अरे वाह, आपको तो सब पता चल गया। कार्तिक, इन्होंने हमें पहचान लिया। पहचान तो लिया। I am going with the Kartik. उसने इतना बड़ा कदम उठाया, इसका मतलब उसे प्यार हो गया है। कंबाइंड स्टडी के नाम से वो दोनों रात के अंधेरे में घर से भाग गए। मैं अगर कुछ समझाती थी तो मुझे आप डांटा करते थे, इस वजह से उसका डर खत्म हो गया। उसके दिल में हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही हो सकती है। अब आगे देखिए क्या होता है। उस लड़के के घर वाले कैसे हैं? आपके जात का है क्या? मैं उन दोनों को आते जाते वक्त मैथुस की बोट में बस उन्हें देखता था और एक स्माइल दिया करता था, बस इतनी ही पहचान थी हमारी। उसकी इतनी हिम्मत, लड़के को लार प्यार से बिगाड़ दिया तो अब तो वो ऐसा ही करेगा ना। ये लड़का तो हाथ से गया। सुनो जी, मैथ्यूज के घर चलते हैं, वहाँ से कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। पहले पुलिस स्टेशन में जाके कम्प्लेंट करो। अगर मैं कम्प्लेंट करूँगा तो सारा गांव को पता चलेगा, फिर परिवार की इज्जत भी जाएगी और अच्छा फ्रेंडशिप भी बिगड़ जाएगा। और चर्च के बड़े फादर को पता चला तो मेरा क्या होगा? जीसस ही बचा सकते हैं। तो अब क्या करें हम लोग? पहले वो कहाँ ये पता लगाओ, फिर दोनों को काउंसिल देकर हमारे परिवार में दूसरा धर्म के लोग के रहना मुश्किल होने समझाना चाहिए और उनका धर्म बदल दिया तो सब सही हो जाएगा। हाँ, बस इस मुसीबत से बचने का एक यही आखिरी रास्ता है। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता करता हूँ और आप सिर्फ धर्म में आदमी बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमने उन दोनों को जल्दी नहीं ढूंढा तो वो शादी करके परिवार बना लेंगे और उनका बच्चा भी हो जाएगा। रीटा, बचपन में मैं और वो घर के बाहर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का नाटक करके माँ बाप का खेल खेलते थे और वक्त के साथ बड़े हुए हम बचपन के उस खेल को भुला बैठे तो इस खेल की क्या औकात, ये भी 2 दिन में भूल जाएगी, तुम चिंता मत करो। मतलब ये कि ये प्यार वार 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। रीटा, गो इनसाइड। क्यों मैथ्यूस, सुबह होने से पहले वो दोनों गाँव से बाहर निकल गए तो जरूर किसी ने तो उनकी मदद की होगी, क्या कहते हो? बचाओ जीजस। ब्लडी रास्कल, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने इस पर विश्वास किया और ये एहसान फरामोश निकला। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैंने इसे कभी नौकर नहीं समझा, मैंने इसे अपने घर में जगह दी, लेकिन ये तो
जाने दो मैथ्यूस। जो मैंने किया वो बहुत ही गलत है फादर, लेकिन सच्चे प्यार को कभी अलग नहीं करना चाहिए, यही तो हमारा धर्म भी कहता है ना फादर। अरे रुक जाओ, ऐसा करोगे तो कैसे पता चलेगा, इधर आओ। हाँ सुन, हाँ वो दोनों कहाँ गए तुझे पता है क्या? सच्ची में मुझे नहीं पता है फादर, मैं तो सिर्फ उन्हें किनारे तक लेके गया था, लेकिन उन दोनों की जोड़ी तो हाँ हाँ। रुक जाओ और तू निकले यहाँ से, और हमेशा के लिए अपनी जुबान बंद रखना। ठीक है फादर, मैं हमेशा अपना मुंह बंद रखूंगा। जीजस। ये आप क्या कह रहे हैं फादर, इतना सब होने के बाद भी इसे रहना चाहिए? जरूर रहना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा गांव इस बात का मजाक उड़ाएगा। आइए सर, अंदर आइए। नमस्ते, बैठिए, इट्स ओके। अब तक जो कुछ हुआ सब बातें भूल जाइए, कुछ भी गलती नहीं हुई है ये हम भरोसा करेंगे, लेकिन वो मेरी बेटी को लेकर कहाँ गया है प्लीज ये तो मुझे बता दीजिए। मैं तो सर सही में मैं कुछ नहीं जानता फादर, वो हर रोज मेरे साथ बैठकर एक निवाला खाना खाता था, इतने सही में बहुत खुश हो जाया करता था, सच कहता हूं मैं। वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं था मैथ्यू सर, वो मेरा फ्रेंड भी था, यही सच है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज देर मत करना मुझे बता दीजिएगा, जवान बच्चे हैं वो, हम उन्हें समझा करके घर वापस लेकर के आएंगे। और याद रखिए, हमारे दो परिवारों के अलावा किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। न्यूली मैरिड? जस्ट मैरिड। कार्तिक क्या हुआ? वो मैं अगर तुमने आई लव यू कहा ना तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, देख लेना। वो बात नहीं है। फिर बचपन में पिताजी मुझे ऐसे ही चलाया करते थे। ओ तो तुम्हें घर की याद आ रही है? हाँ? मुझे तो फिल्मों में जैसे हीरो रोमांस करते हैं ना वो सब याद आ रहा है। और तुम्हें तो घर की याद आ रही है? हाँ? आ जाओ। आई गोना किल यू। कम ऑन कार्तिक। रिया। हे रुको। सर फिरी थोड़ी सी तो सर फिरी, चुलबुली थोड़ी सी तो चुलबुली, ओ मेरी जाने जा। थोड़ी सी तो चुलबुली, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा। दिल ये बोले कर ले पार्टी, खुशियां तो है आती जाती। दिल ये बोले कर ले पार्टी, खुशियां तो है आती जाती। जिंदगी का ले मजा सर फिरी, थोड़ी सी तो सर फिरी, चुलबुली थोड़ी सी तो चुलबुली, ओ मेरी जाने जा। जिंदगी खुल के जिंदगी
झील जिंदगी सर या वन सेकेंड तुम ऊपर जाओ जल्दी आना सर वी नीड सम मोर एडवांस मनी हाउ मच इज द बैलेंस वन सेकेंड 13,000 वी विल वैक इट इमीडिएटली प्लीज मेक द बिल श्योर सर बिल रेडी करो ओके सर What happened? कुछ नहीं क्या हुआ ए What? No. Come on. No. Give me a kiss. Come on, Ria. No, please. अभी please. नहीं. Please, 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 please. मैं भी अंदर आता हूँ. No. ये सब शादी के बाद. Okay? तब तक nothing.
थोड़ा नीचे जाके आता हूँ। डोर क्लोज करके जाना। थैंक यू वेरी मच सर। श्योर। दिस योर बिल सर। थैंक यू। वेलकम सर। आ रही हूँ। हाय कार्तिक, तुम कहाँ चले गए थे? कम से कम फोन तो उठा लिया करो। पैकिंग करो, हम निकलेंगे। वी आर शिफ्टिंग टू अनदर होटल। व्हाई? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कोई और बुकिंग है। क्या हुआ? कम, इट्स ओके, कम। कार्तिक। या येलो। थैंक यू। मैं पहले कभी भी ऐसी जगह नहीं ठहरी। इससे पहले घर से बाहर रही हो क्या? कार्तिक शट अप, मुझे तो उल्टी आ रही है। कम ऑन लेट्स गो। देखो रिया, हमारे पास पैसे नहीं है। व्हाट? व्हाट हैपेंड? खर्च करते समय सोचना चाहिए था, जो कुछ लिया सब एक्सपेंसिव। ये सब तो मुझे सुना रहे हो? अब तक तुमने मेरे ऊपर जितने भी रुपए खर्च किए है ना, आई विल पे एवरीथिंग बैक। पैसे नहीं थे इसलिए मैंने सेलफोन बेच दिया। बैग में सोने की चूड़ियां हैं, तुम उसे बेच दो, फिर हम किसी अच्छे होटल में चलते हैं, उसके बाद सोचेंगे। रखा था, तुमने देखा क्या? नहीं तो होटल में जब मैं नहाने गई थी तो बैग में ही था। कम ऑन, हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। चलो। मैं नहीं आऊंगा। व्हाई? वहाँ नहीं छूटा होगा। वहाँ नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता? सच बताओ, तुमने ही लिया है ना? झूठ बोल के मुझे चीट करने की कोशिश मत करना। चीटिंग? व्हाट डू यू मीन? मेरे पापा भी मुझसे पूछे बिना मेरी चीजों को छूते नहीं है। तो अपने पिताजी के साथ घर पे ही रहना चाहिए था ना? नाउ आई एम श्योर तुमने ही लिया है। रिया माइंड योर वर्ड्स। यू चीट। डोंट कॉल मी अ चीट। यू आर अ लायर। तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं।
हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। पापा आप सुन रहे हैं ना? कार्तिक कहाँ हो, कैसे हो बेटा? रुको सुनो, आनंदी को बुलाता हूँ मैं। बोलो बेटा। सॉरी पा, मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई, आपको छोड़ के आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे आप सबसे मिलना है, मैं अभी के अभी वापस आ रहा हूँ। आ जा बेटा, जल्दी से आ जा, मैं आके सब बताता हूँ। ठीक है बेटा, आ जा बेटा। पापा माँ मा। उम्मा बेटा। ची, 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 ची। तुम जैसे इडियट के लिए मैं अपना घर छोड़ के आ गई। फोन दो मुझे। कार्तिक कौन है जी? कार्तिक का कहाँ है वो? हेलो माँ, मैं रिया बोल रही हूँ। हे भगवान तेरा शुक्रिया, मेरी बेटी ने फोन किया। बेटा तुम हो कहाँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, पापा मुझ पे गुस्सा ना करें, आप उन्हें समझाएंगी ना? पहले ये बताओ कि तुम हो कहाँ? आई एम वेरी सेफ माँ, मैं वहाँ आ रही हूँ। हेलो शे, बैटरी ही डाउन हो गई। गांव जाने के लिए मुझे पैसे देकर जाओ। तुम तो बड़ी तोप हो ना, मेरे बिना ही आ जाओ। रुको इडियट। फालतू में इसके चक्कर में मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। प्राइवेट बस स्टैंड का रास्ता कौन सा? ओ यहाँ से सीधे जाकर ना राइट मुड़ जाना। थैंक यू। ओके बॉस। बेटा नथिंग सर। सर सर वो मुझे घूर रहा है। कहाँ जाना है? वो लड़का मुझे घूरे जा रहा है सर। कहाँ जाना है सर? एर्नाकुलम जाना है सर। एर्नाकुलम जाना जी है? हाँ सर। अच्छा तो इस लड़की को बार बार क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ, सर। तुम देख रहे थे या मैंने देखा था? सर सच में मैंने नहीं देखा सर। अच्छा तो आप पुलिस से भी झूठ बोल रहे हो तुम? सर कसम से नहीं देखा सर। चलिए जल्दी सर, बस आगे सर। तुम जाओ बेटा, नहीं रुकेगी। चलिए सर, सर प्लीज सर, तुम चलो प्लीज सर। अरे ऐसा का सर, चलो मुझे छोड़ दीजिए, आई विल मैनेज सर। सर सर चलिए, आइए आइए। अच्छा हां टिकट दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अरे चलो जल्दी करो, आराम से बेटा। चलो भाई जल्दी चलो, आज की बोली तो हो गई। चलो
तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, नहीं तो तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज देती। पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तीन टिकट है ना? टिकट 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 हाँ टिकट टिकट रख लो टिप्स है। टिप्स टिप्स है ना? सर आप इधर आ जाएंगे? नहीं मैं यहीं बैठूंगी। क्यों क्या हुआ मैडम? एक एर्नाकुलम। दो नहीं क्या? एक काफी है सर। मैं तुमसे अपने पैसे मांग रही हूँ, तुम्हारे पैसे नहीं। हैं? प्रॉब्लम क्यों सी है? भैया मैं आपके ऑफिस आके टिकट के पैसे दे दूंगी, आप चाहे तो मेरे पापा से बात कर सकते हैं। मैडम पैसे की कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, आप बैठिए। थैंक यू भैया। पीके पीके है ना? पीके हाँ। पक्का ना रहे प्यार। टिकेट्स टिकेट्स, किसी का टिकट बाकी है क्या? किसी का टिकट बाकी है? टिकेट टिकेट टिकेट। टिप से लेना गलत काम है। आप यहीं रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। जीसस ये क्या दोनों अलग अलग आ रहे हैं? जीसस ये क्या दोनों अलग अलग आ रहे हैं? अभी से ऐसे ही है। क्या हुआ? अंकल ऑटो का किराया दे दीजिए। हाँ हाँ। क्या हुआ बेबी? बेबी क्या प्रॉब्लम है? मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, वो हो गई। इंटरव्यू? हाँ गले मिलकर भी इंटरव्यू में जाते हैं क्या जीसस? मेरा भी वहाँ इंटरव्यू था, अच्छा हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ, वरना मरते दम तक गलत पोस्ट पर ही रहना पड़ता। कौन सी पोस्टिंग? दुनिया में गलत लड़की का पति बनने की पोस्ट। अंकल ये उसी लड़की की बोट है। बोट पंचायत में देने के बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। हाँ ये भी सही है। जैकेट वापस करो। ये लो तुम्हारा जैकेट, रखो। स्टूपिड। क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक, नारायण तू इधर आ। बेटा कार्तिक तू ठीक तो है ना? दादी कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी। कार्तिक तू आ गया बेटा। हे भगवान कार्तिक तू आ गया। सॉरी नजर उतारो। क्यों तुमने ऐसा किया था बेटा? हम लोग बहुत घबरा गए थे जानते हो। चलो कार्तिक तो कहा था बेटा, क्या हो गया तुझे? हम कितना परेशान हो गए थे पता है? क्यों बेटा तूने ऐसा क्यों किया? रो मत, ये खाना खाया कि नहीं ये तो पता नहीं, पहले से एक कप कॉफी तो पिला दो। आप पहले बेटे को अंदर लेकर आओ। आओ बेटा आओ। मुझे माफ कीजिए। अरे क्या कर रहा है बेटा? आओ आओ ना। इतनी जगह होकर आया है किसी की नजर ना लग गई हो। हाय पापा आई एम बैक। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। हे जिल। हेलो। हाय हाउ आर यू? क्या हुआ तुम्हें? मुझे मिस कर रहे थे ना? मुझसे गुस्सा हो? ऐसे घूर क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? कॉफी लेके आओ। कॉफी? रीटा आइसक्रीम है क्या? हाँ हाँ अभी लाई। ये लो दीदी।
आपको चाहिए? तुम खाओ। जवान लड़की अपनी पसंद के लड़के साथ घर से भाग जाए, ये सब कृष्ण के जमाने में सही लगता था। लेकिन मुझे मिला करके दो बाप और तीन नंबर पे रहने वाले लड़की कुछ ऐसा कर जाएगी, ये सुनकर मुझे अंदर से अच्छा नहीं फील हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ये सब छोड़िए फादर। है ऐसा भला कैसे छोड़ सकते मैथ्यूस? अगर उसे वो लड़का पसंद था तो डायरेक्ट मुझे बता देना चाहिए था। ये सोचकर कि मैं मना करूंगा उसके साथ भागना ठीक था क्या? मैंने भी ऐसा ही सोचा। आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, यही सोच के मैं उसके साथ भाग गई। मुझे यही सही लगा बस। वेरी सिंपल। आप क्या करना है बताओ? अब मैं उसे पसंद नहीं करती। आई हेट हिम। अच्छा हुआ शादी होने से पहले उसके बारे में सब पता चल गया, नहीं तो मैं फंस जाती ना। अच्छा है, टेस्ट ड्राइव करके जो गाड़ी पसंद आएगी वही खरीद लूंगी। फादर आप वो देना। थैंक यू। ग्रेट फूड एंड डन। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं अभी आता हूं। एक लड़के के साथ तीन दिन बाहर रहकर आई हो तुम, अगर कुछ हो गया तो? मैंने उसके साथ कुछ किया या नहीं किया यही पूछना चाहती हूँ ना। पापा को बुलाइए, मैं उनके सामने बताती हूँ। आपको अपनी सगी बेटी पे भरोसा नहीं है ना माँ? पता नहीं किस पे आप भरोसा करेंगी। क्या सुशन, तुम भी एक छोटी सी गलती के लिए उसने क्लियर कर दिया ना, और मान लो उसने ये गलती कर दी है तो उसके लिए इतना सवाल क्यों कर रही हो? वैसे बेटी वो तुम्हारी माँ है ना, इसलिए। पिताजी को खुश करने के लिए बोला था ना? क्यों दीदी, तुम्हारे बीच कुछ नहीं था ना? हगिंग, किसिंग, नथिंग हैपेंड। आई थिंक इट्स वेरी ओल्ड टाइप। अच्छा वो तुमने छोड़ दिया। ए ये लो कॉफी। सुनिए जी, वो वहाँ अकेले बैठे बैठे बहुत दुखी हो रहा है, वो कुछ बात नहीं कर रहा है। तुम यहाँ बैठ के अकाउंट ही देखते रहोगे क्या? जाकर उससे कुछ बात बात तो करो। सुनिए जी, मैं उससे बात करती हूँ। रुको रुको। रोते क्यों हो? चलो पागल हो क्या, छोड़ दो उसे अकेला। ये तुम क्या कह रहे हो मैथ्यूस? फादर उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अचानक जोश में आकर वो लोग भाग गए थे, कल उनकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं लड़के के परिवार से और लड़के से बात करना चाहता हूँ ताकि उन दोनों की शादी करवा कर दोनों को एक कर दूं। आहा, अब उन दोनों की शादी मैं कर रहा हूँ, ये बात तुम कह रहे हो मुझसे? फादर मेरा कोई बड़ा भाई तो है नहीं, सब कुछ तो आप ही हैं फादर। उनके मन में क्या चल रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ, इसलिए आप प्लीज मेरे साथ चलिए। राइट में बैठती हूँ। पापा फादर के साथ कहाँ गए थे मेरी शादी की बात करने? फादर ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने आपको बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया ना पापा? मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारे पापा उन लोगों से बात करने गए और उन्होंने बेइज्जती की सिर्फ तुम्हारी वजह से। घर वापस आ गई, इससे आपकी बेइज्जती हुई है क्या? तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हारे पापा की हर बात तुम मानोगी? मैं उस दिन पापा के बारे में बिना सोचे उसके साथ घर से भाग गई, लेकिन मैं अब वही करूँगी जो पापा कहेंगे। अच्छा
कार्तिक अब तुम्हारे दिल में नहीं है, ये बात सच है क्या? Yes, I hate him forever. जानते हो कार्तिक, तुम्हारे जाने के बाद मानो मौसम को भी बुखार हो गया था। मैं तो उसके साथ आए फादर जोल उसे बहुत कंट्रोल किए। मतलब सबके सामने मार्केट में बेइज्जत हुए थे आप? ए, मैं तो एक जेंटलमैन है यार। दादी और फादर आपस में लड़ रहे थे और हम बोट में चल पड़े। ए, एक बात बताता हूँ, 15 साल के बाद तेरे बाप ने सिगरेट पिया। हाँ। और वो मैथुस 4 घंटे में 4 सिगरेट खत्म कर दिया। He is a very good smoker. हाँ। और उस मैथुस के मन में एक शक है, सिर्फ उसके दिल में नहीं मेरे दिल में भी है। कौन सा पा? तो आज भी उस लड़के से बहुत प्यार करता है ना? कैसी बातें कर रहे पा? तेरे और रिया के बीच में एक चूल्हे की ईगो प्रॉब्लम है, अगर वो सही तो सब सही। मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक इन्फेक्चुएशन था, अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। ए, नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना बेटा। शराब छोड़ने के लिए दवाई लेना पड़ता है। हर प्रेमी का दिल एक जैसा ही हुआ करता है, पूरा प्यार भरा, कुछ भी बोले तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। देन फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मन एक उड़ता हुआ पतंग की तरह होता है, उसे कंट्रोल नहीं किया तो दूर चली जाएगी। मेरा मन स्ट्रांग है पापा। रोजारिया इवेंट मैनेजमेंट में मुझे जॉब मिला है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पोस्ट है। हाँ हाँ। तुरंत ज्वाइन करना है। सच में? सुपर बेटा, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो शेर का बेटा है, चल अब घर चलते हैं और 2 राउंड कैरम खेलते हैं। Oh, 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 oh
Hi. Dev, Ashrada, Harun. Hi. Thank you. Come on. And this is Rahul. Thank you. And huh? Pooja. Nice to meet you. All the best. Thank you. Shekhar. Hello. And Arvind. Thank you. Chalo. Hi, Mansi. Hi. Come. And last. This is my favorite, Kartik. Did you get the sketches? One second. Jaldi lekar aao. Khao na. Khao lo. No. Everything 50-50. No. तुमने जो मांगा वो ये रहा एंड नए डिजाइन्स भेजने के लिए कहा था मैंने भेजा तो था नहीं आया देखो ना सुपर है बट ये नहीं है हाँ ये नहीं है ये सही हाँ ये सही है उस सुपर में हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अरे यही सुपर है चैलेंज ही समझ लो हाय एवरीवन ज्वाइन रोजारिया इवेंट मैनेजमेंट एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेट एटमॉस्फियर नाइस पीपल हैविंग फन भी है क्या तुम मुझे सिखाओगी ना डोंट इरिटेट मी अचानक क्या हो जाता है तुम्हें मुझे क्या होगा समथिंग तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती हाँ हैविंग फन पागल हो गई हो क्या कार्तिक तुम रिया को पहले से जानते हो क्या नहीं क्यों नहीं मुझे लगा इसलिए मैंने पूछ लिया कूल हे व्हाट नथिंग सर 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 नो सर ओनली माइकल ओके माइकल समथिंग इज बॉदरिंग यू व्हाट्स इट सर इस तरह ग्रूम करते वक्त लड़कियों को टच करना जरूरी है क्या मुझे तो ऐसा नहीं लगता रिया ये टच को गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए हम दूसरों को बताने वाली बातें कम्युनिकेट करने के लिए हम एक सिंपल टच से कर सकते हैं और अगर दोनों टच करें तो दुनिया को भूल जाएंगे तुमने कभी नहीं सुना था क्या सी इसमें बहुत सारे टचेस होते हैं आई कैन टच यू एज अ फादर इट्स फुल ऑफ पेरेंटल अफेक्शन दिस टच कैन बी ब्रदरली और इवन फ्रेंडली यू नो फॉर इवन एज अ लवर सुनो रिया हर टच में एक कोई ना कोई मीनिंग होती है लेकिन इसमें किस फीलिंग से टच करते हैं ये काउंट होती है व्हाट मैं क्या यहाँ कोई फ्लर्ट कर रहा हूँ फूल मैन हे कार्तिक क्या हुआ एनीथिंग रॉन्ग एवरीथिंग इज रॉन्ग कम ऑन कार्तिक कार्तिक आई थिंक यू आर इन बैड मूड मैं संभाल लूंगी रिलैक्स Okay, girls, let's start. Ready up. Kartik. हाँ. इधर आओ. चलते हैं. One second. आ रहा हूँ. Sharon. हाँ. मुझे bus stop तक drop कर दोगी क्या, please?
ओके या लगता है काम पे लगा दिया इसने, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ओके मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ, बाय। हेलो बेबी। ओ रिया। हेलो से रिया। आ शरल, ऑनलाइन नहीं हो क्या? मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। रिया मैं कार्तिक से चैटिंग कर रही हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। Michael, We need dress code. That's a wonderful idea. Come again? मैं नहीं समझा। I'm talking about Karthik. Karthik? Girls को grooming करते समय Karthik को decently behave करने को कहो। वो कुछ भी नहीं पहना है क्या? Just one knicker. आ, वो तो पहना है ना? Riya, you know this guy? No. Don't know? रेनॉन फिल्म मेकर श्याम प्रसाद, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। शूटिंग के टाइम वो हमेशा निक्कर में ही रहते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। उसकी पसंद का ड्रेस वो पहनते हैं। यू कम आउट। नॉट माई फेस, हियर, डाउन, लुक डाउन, सी मैं भी निक्कर पहना हूँ, सो व्हाट्स अ बिग डील? नथिंग। रिया, तुम चाहो तो कल से तुम भी ऐसा आ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे लिसन, आइंदा सिली कंप्लेंस करने के लिए डोर खोल के अंदर आओगी तो सब निक्कर में ही मिलेंगे। छे, ये लड़कियां हमें निक्कर में देखकर क्यों नाराज होती हैं? I know the truth, I am giving you the warning. वो कार्तिक सही नहीं है। What? गांव से एक लड़की को लेके भाग गया था। पूरे 3 दिन के बाद दोनों वापस आए थे। Oh, really? जरूर वो लड़की सही नहीं होगी। लड़की की कोई गलती नहीं थी, इसी ने ट्रैप किया था। अच्छा हुआ उसके साथ कुछ नहीं हुआ। सुनो, 3 दिन तक एक साथ रहे थे और वो भी कार्तिक जैसा हैंडसम लड़के के साथ, चांस ही नहीं है। सच में जा रहे? अरे सच कह रही हूँ। हेलो, हाँ, What happened? Dreaming? Come, let's have coffee. Coffee? Come. No. No? No. चलो हम चलते हैं। वहाँ रोको,
रीटा संभाल के कदम रखना, okay. वरना पैर फिसल जाएगा। मैथ्यूज, इस साल बहुत बारिश हुई है। चप्पल यहीं पर छोड़ दो। हाँ आइए आइए। आनंदी, कार्तिक, नमस्कार। कल रात को बहुत बारिश हुई है। हाँ आइए। सरप्राइज विजिट है। हाँ बैठिए बैठिए। ये लीजिए। क्या जरूरत थी? मैंने ये सब अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। पूरा किचन साफ करके ही बनाया है। इतने प्यार से बनाया है, हम तो जरूर खाएंगे। माँ को चांस मिले तो कुछ भी खा जाएगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड कलकत्ता में रहते थे, वहाँ सारे ब्राह्मण मच्छी खाया करते थे। मेरी भी आदत पड़ गई मच्छी खाने की। कलकत्ता में मछली को जल पुष्ट कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ आए तो सोचा कहीं माँ मुझे डांटे ना, आने से डर लग रहा था। वो मैटर तो उसी दिन खत्म हो गया। रिया नहीं आई क्या? घर में गेस्ट आए थे, उनके साथ वो बोटिंग करने चली गई। मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों की किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए, तभी माँ बाप को खुशी होती है। अच्छी बात है, अपनी रिया की शादी कंफर्म हो गई है, तो अच्छी बात है। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। लड़का फ्रांस में रहता है। हाँ। आर्कोलॉजिस्ट है। हाँ। तय होने के बाद हम सबसे पहले आपको बताना चाहते थे। लड़की को तो वो लड़का पसंद है ना? उसे अपनी पसंद से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसने हमें फिक्स करने के लिए कहा था। ओह बहुत अच्छी बात है। सब काम में आप हमारे साथ ही रहेंगी। अरे अभी कोई कहने की बात है, हम तो है ना साथ साथ, हाथ मिलाइए। थैंक यू सर। आनंदी, हाँ। सबको कॉफी पिलाओ ना। अभी लाई मैं कॉफी। गुड मॉर्निंग। कार्तिक नहीं आया क्या? फॉर मैरिज प्रपोजल, वो एक लड़की देखने गया है। रिया, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट दिस इज? In presentation you have made, it stinks. It stinks. But according to the briefing... Briefing? Briefing में जो है वैसा ही लैपटॉप में दिखाओगे, then what's your role? Where is your creativity? और ये हमारी कंपनी का prestigious project है. ये है look and feel, हाँ? आज दोपहर के अंदर, I want it clear. I want it done. तुम्हारे दिमाग को थोड़ा काम दो. I'm sorry, Mike. ये मेरी गलती थी। कैसे? ब्रीफिंग में क्लियरिटी नहीं थी। रियली? हाँ रियली। कार्तिक ऐसी गलती नहीं करेगा। सॉरी, आई विल फिक्स इट। इन दिस केस आई एम सॉरी, मुझे माफ करो। कार्तिक, यस माइक, इट्स माइन, कैच दिस। गुड, सो नाउ यू नो हाउ टू कैच अ कैट। Get back to work. Get back to work. Go, go, go. Okay. क्या ये रिया की मिस्टेक थी? No. It was mine. Good.
हाय कार्तिक भैया। हाय कार्तिक। हाय। थैंक यू। फॉर व्हाट? मेरी गलती को कवर अप करने के लिए। इट्स ओके। तुम्हारी शादी तय हो गई ना? कल तुम्हारी फैमिली मेरे घर आई थी। एनीवे कांग्रेट्स। कार्तिक तुमने लड़की पसंद कर ली है क्या? ऑफिस में सभी यही कह रहे थे। ये बात है। She is good. वो लड़की किस फील्ड में है? UK स्टार होटल शेफ। अच्छा, तो अब तुम्हें टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। उस लड़की को यहाँ के स्टार होटल्स में ट्राई करना चाहिए। तो श्रवण को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा। मेरा कजिन ही श्रवण है, उसी के लिए लड़के देखने गए थे। वो यूके में है। रिया। हाँ? मेरी शादी तय होगी तो पहले तुम्हें बताऊंगा, नो डाउट। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? आपने कब फोन किया था? कॉल माने नहीं किया था। फ्रांस में जो लड़का है ना, तुम्हारा वुड बी, वो तुमसे थोड़ा बात करना चाहता था। फोन पर शादी कंफर्म होने के अलावा जिससे मेरी शादी हो रही है उसकी आवाज कैसी है वो मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत काम था पापा। मैंने कहा कि वो ऑफिस से आ जाएगी तो मैं कॉल करवा दूंगा। आई एम टू टायर्ड पापा। क्या बेटी, प्लीज। उससे बात कर लोगी तो तुम्हें टायर्डनेस नहीं होगी। दीदी, पापा ने ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। अगर मेरी शादी की उम्र होती तो मैं तो हाँ बोल देती, पर तुम ये चांस मत खो देना। चुप कर। हाँ, कैसे हो? मैं रिया को फोन देता हूँ। हेलो, रिया स्पीकिंग। गुड इवनिंग। फाइन। आप यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अंदर चलिए, उनको रोमांटिक बात करने दीजिए। आप आइए। दीदी, वो फोन पे क्या बात कर रहा था? तुझे जानना जरूरी है। हाँ। ओके। उसने जो भी पूछा मैंने सारे जवाब दिए। तुम कितने बजे उठती हो? मैंने कहा 6 बजे। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? मैंने कहा नूडल्स। तुम्हारे चप्पल का साइज क्या है? मैंने कहा 6। तुम कितने बजे सोती हो? जब नींद आती है तब। तुम्हें हमारी प्यार भरी जितनी बातें जाननी थी जान गई ना तुम? पता चल गया मेरा होने वाला उठ भी कैसा है। ये सब पूछ रहा था। हाँ। आप लोगों को सुनकर स्ट्रेंज होगा कि एक इवेंट को हमारी कंपनी लेने वाली है, कुंभकर्म में रह रही एक ऑथेंटिक चेटियार फैमिली की रईस शादी, उससे पहले एंगेजमेंट। सी, हमारी जैसी कंपनी को एक शादी अरेंज करके देना बहुत ही मुश्किल है, और बताना तो इट्स ऑकेबल। कार्तिक, तुम बोलो। आई फाइंड इट बिट हॉट सर। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी बहुत ही टफ लग रहा है। पूरे पंडाल को खाना बनाकर खिलाना तो बहुत ही कॉमेडी लग रहा है, बट ये चैलेंज ऐसा है, पूरे साउथ इंडियन में अपनी कंपनी का नाम हो जाएगा। बिकॉज इस वेडिंग में आने वाले सभी लोग वेरी लॉफ्टी बिजनेसमैन हैं, तो इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें जाने का एक मौका मिला है और उन्हें इंप्रेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड कार्तिक विल बी आवर टीम लीडर। ओके माइकल। शरीन इज गोइंग टू असिस्ट यू। या ओके। ओके विद यू? नो प्रॉब्लम। बॉयफ्रेंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? चाहो तो कुछ दिन के लिए कार्तिक को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। इट्स ओके, फाइन। तुम्हारी तो बच्ची है, उससे रोनिक संभाल लेगा। नो प्रॉब्लम। ब्राइडल मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, ऑल दिस प्रेफरेंस, रिया विल टेक चार्ज। एनी क्लेरिफिकेशंस? नो माइकल।
एक बार फिर से सोच लो रिया। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, शैरिल बहुत ही अच्छी लड़की है। कार्तिक से जब तुम्हारा रिश्ता टूट गया है तो वो किसी से भी प्यार करे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लड़कियों की आदत होती है कि दूसरे के मामले में मुंह डालने की। चुप हो जा, बहुत बोलने लगी है। उनकी शादी नहीं हुई है, वो लिविंग में रहते हैं, उनका एक बच्चा भी है। रिया, हर किसी से बराबरी नहीं की जाती बेटा। वाह वाह, पैकिंग हो रही है। एनीवे, जेनसन से बात करके परमिशन तो ले लो। ये लो। रिया, जेनसन ने फोटो भेजी है, कंप्यूटर पर देख लो। ऐसा है? हाँ। तो मैं उसको देखना चाहती हूँ। मम्मी जरा इसे पकड़ो। दीदी, तुम्हारा हीरो बहुत फैमिलियर फेस है, वेरी हैंडसम, बस कार्तिक की तरह बेवकूफ ना निकले। इसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही? फोन पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तुमने जाने की परमिशन ले लिया ना? हाँ, ले लिया। तो क्या पूछ रही थी? तुम जहाँ जा रही हो कितने किलोमीटर दूर है? मैंने कहा नहीं जानती। कैसे जा रही हो तुम, बस से जा रही हो कि ट्रेन से जा रही हो? मैंने कहा नो आइडिया। तो कहा गूगल पे सर्च करो, मैंने कहा ठीक है, दैट्स ऑल। ओ गूगल बॉय। दीदी वो भी वेस्ट है क्या? चल ना ठीक, वहाँ अच्छे से रहना। ठीक है माँ। अपना सामान ध्यान से रखना। ये लो बेटा। थैंक यू पा। कार्तिक, वहाँ जाकर किसी होटल में मत ठहरना, वहाँ तुम्हारी माँ के भाई का घर है, तुम जाओगे तो वो बहुत खुश होंगे। बेस्ट। लेकिन वो मुझे पहचानेंगे क्या? चलता हूँ दादी। संभल के जाना बेटा। चलता हूँ माँ। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा। बाय बाय। बाय बाय। संभल के जाना। जी पापा। इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता। वो तेरी जिंदगी में दोबारा आएगी। होटल में रुकेगा तो पक्का वो तुझे मिलेगी। चिंता मत करो दादी, तुम्हारा पोता बहुत अच्छा है। हे कार्तिक, तुम अचानक हंसने क्यों लग गए? नथिंग। सीधे सीधे बता दो, किसके बारे में सोच रहे थे? बट यार कोई नहीं। टेल मी। अरे बताने के लिए कुछ भी नहीं। बताओ है। ना मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? बता भी दो किसके बारे में सोच रहे थे। किसी के बारे में नहीं यार, अब मुझे बख्श दो। हा? नींद आ रही है मुझे। जल्दबाजी मत करो। अरे ए, मैं पूछूंगा। 501। ये लो मैडम। अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा। क्या हुआ बेटा? उधर मेरे पिताजी। अच्छा? आ रहे हैं। सर, केरला से आए हुए कार्तिक और उनके फ्रेंड्स किस रूम में ठहरे? एक मिनट सर, थर्ड फ्लोर में ए, चार रूम। चलो जल्दी। 803, 804, 805, 806। हाँ, ग्राउंड फ्लोर में ठहरना चाहिए था। पापा लिफ्ट इधर है। कार्तिक से मिलने के लिए लिफ्ट की क्या जरूरत है? चलो बहुत मजा आएगा। ए चलो। कार्तिक, कार्तिक मामा आया हूँ मैं। कार्तिक, अरे 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 अरे,
छे, सोन दरवाजा बंद नहीं कर सकता था। चलो चलो। वो जो भाई ने पहनी है ना, वो जॉकी की चड्डी है। ऐसा क्या? ए? सॉरी बेटी, मैं गलत रूम में आ गया। क्या है? मैनेजर, दरवाजे में कड़ी क्यों नहीं है? What do you want? कार्तिक। कार्तिक का वो रूम है। मैं कार्तिक का मामा हूँ। हाँ, हम सब हाँ। कार्तिक के फ्रेंड्स हैं। एक साथ ऑफिस अच्छा, में काम करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। हे कार्तिक, तुम्हारे मामा। ए, कार्तिक बेटा, अरे तू कैसा है? ए, मैं इसे 7 साल के बाद देख रहा हूँ। देखो ना कितना बड़ा हो गया है। तुम्हारे यहाँ आने की बात शीला और दादी ने बताई थी, लेकिन तुम कहाँ पर ठहरोगे ये बात नहीं बताई। मैंने यहाँ के सारे होटल छान मारे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारे पसंद की मिठाई तुम्हारी आंटी ने घर पे बनाई है। चलो घर चले। हम किसी खास काम के लिए आए हैं मामा। पहले घर चलो, कुछ खाना वाना खा लो, फिर चले जाना काम पर। तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट करता हूँ, ठीक है? चलो। मामा मैंने देखा था कितना बड़ा हो गया है। तुम लोग भी तैयार होकर के दोपहर में खाना खाने के लिए आ जाना। प्योर वेजिटेरियन सब लोग आना है। मैं नीचे इंतजार करूंगा। अच्छा नमस्ते। चलो भाई, चलो चलो आ जाओ। सॉरी, इट्स ओके। दरवाजा बंद रखा करो। चलो जल्दी करो, तेज चलो, चलो आ जाओ। Who's there? मेरे मामा हैं, उन्हीं के घर पे लंच है, सबको बुलाया है, तुम भी चलो। हाँ, कौन सा? ये वाला? ठीक है ठीक है। कितने का हुआ? 20 रुपए। अरे सुनती हो, आ जाओ सब लोग अंदर चलो, सबको अंदर चलना है। चलो चलो चलो। वाओ, ये गांव बहुत अच्छा है। अरे सुनती हो, देखो कौन आया है। आओ जल्दी इधर आओ, देखो कौन आया है। आ जाओ कार्तिक, अंदर आ जाओ बेटा, तुम सब भी अंदर आओ। नमस्ते। ये कौन है जानती हो? अपनी आनंदी का बेटा कार्तिक है। नमस्ते। आ जाओ सब आगे आ जाओ। लड़का तो बहुत सुंदर है। लड़का तो सुपर है। वरलक्ष्मी कहाँ चली गई? कार्तिक से मिलना है, कार्तिक से मिलना है कहती रहती है, लेकिन अभी कहाँ जाके छुप गई? ए वरलक्ष्मी, ये तो शर्मा रही है। तुम्हारी चाचा की बेटी है, याद नहीं है क्या? याद है ना, 2 साल की थी तब देखा था। पहले हम लोग खाना खाएंगे, फिर बाद में बात करेंगे। चलो चलो चलो। कार्तिक को सांभर बहुत पसंद है और पापड़ भी, उससे ज्यादा दो। वरलक्ष्मी, कार्तिक को क्या पसंद है उससे पूछो बेटी। ठीक है माँ। बस करो लक्ष्मी। नहीं, अरे बस करो बस। ऐसा मत कहिए, आप अपने पेट भर के खाइए। बस बस, थैंक यू। हमारे घर आएगा ये बात सोच के ही वरलक्ष्मी को बहुत कंफ्यूजन था। हरे कपड़े पहनूं, लाल कपड़े पहनूं या फिर पीले कपड़े पहनूं। और फिर केरला फोन करके दादी से सब पूछा कि कार्तिक को कौन सा कलर पसंद है। कार्तिक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? सभी कलर पसंद है। एवरी कलर हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सफेद शांति है, हरा समृद्धि है, लाल इबादत है, लेकिन तुम ऑरेंज ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। तुम पे और ज्यादा प्यार आता है। तुम खाना नहीं खा रही, उसे देखे जा रही हो। क्या तुम्हें उसकी साड़ी पसंद है? क्यों भाई, खाना तो बहुत अच्छा है ना। हेलो, वन मिनट
यस टेल मी। क्यों जी, क्या हो गया? हे कार्तिक, व्हाट हैपेंड? क्या प्रॉब्लम है कार्तिक? सब लोग बिना खाए क्यों उठ गए? मैं नहीं जानती माँ। अरे बाप रे, क्या कह रहे हैं आप? कार्तिक, क्या प्रॉब्लम है बताओ ना मुझे। हेलो कार्तिक, क्या हुआ जल्दी बताओ ना। चेन्नई से आने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? किसका एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। प्रोग्राम के लिए जो गाड़ी आ रही थी उसका तिरछी में एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, पर अब हम प्रोग्राम का क्या करेंगे? तो फिर हम परफॉर्मेंस के लिए क्या करेंगे? अच्छा ये बात है, हमारे शहर में कला और कलाकारों की कोई कमी नहीं है बेटा, फोन पर अरेंज हो जाएंगे। 21 के दिन सगाई है, ठीक है, उससे पहले मंदिर में एक फंक्शन है। व्हाट अबाउट रंगोली? अरे रे रे रे, क्या रंगोली, वरलक्ष्मी के पास बहुत बड़ी टीम है, मंदिर के बाहर रंगोली बना के धूम मचा देंगे बस। ओह थैंक गॉड। ये सब ठीक करो, मैं वहाँ देख करके आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और लक्ष्मी सब कुछ ठीक से करना। ठीक है चाचा। ए जल्दी जल्दी काम करो ना, तुम लोग भी टाइम पास करते हो, तुम सब भी ना। कार्तिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऑल गुड। सुनो तुम कहो तो रंगोली दिखाओ। आओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरे पास में आके बैठो ना। ठीक है। ये आटा लेके ऐसे बनाते हैं, अच्छा है ना? अच्छा है। कार्तिक क्या एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने किसी से प्यार किया था, उन दोनों में से कौन है? किसने कहा तुमसे? सीता दीदी, लेकिन वो अभी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए जी, कार्तिक और वरलक्ष्मी में दोस्ती हो गई। हे कार्तिक, वन सेकेंड। आ रहा हूँ। मुझे बात ही नहीं करने देती है, चलती है। मेरी दिल में है तू ही तू, क्यों न जाने मेरी जान। तेरे संग संग दिल ये डोले, क्यों न जाने मेरी जान। तू रहे संग जब भी मेरे, मुझ में आ जाती है जान। दिल ही दिल में तू ही तू है, क्यों ना जाने मेरी जान। मेरे दिल की तू दुआ है मेरी जान। तू रहे संग जब भी मेरे, मुझ में आ जाती है जान। यही सोच प्यार तेरा है सहारा मेरा, मेरी दुनिया मेरी खुशियां का तुझ में जाने क्या नशा रे, मैं हुआ हूँ जो फिदा रे, हर बहलाएं तेरी लूं। तू ही तू है मेरी दुनिया, तू नहीं तो मैं कहाँ। दिल ही दिल में तू ही तू है, क्यों ना जा शर्मा।
मेरे दिल में तू बसी है, क्यों ना जाने मेरी जाना, हर बलाएं तेरी लूं, तू रहे संग जब भी मेरे मुझ में आ जाती है जान। यार प्रभा जी राइट या या शर बहुत बहुत शुक्रिया मां। कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए थैंक्स की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी कार्तिक, क्या हुआ रिया? वहां देखो वो जो लड़का है, क्या तुम उसे जानते हो? ऊटी में मिला था। गुड मॉर्निंग। न्यूली मैरिड? जस्ट मैरिड। ओके, वी आर आल्सो जस्ट मैरिड। हाय बेब। ब्यूटी स्वीटी, आई वांट अ रूम। सॉरी सर, वी गिव रूम ओनली फॉर द कपल्स। We are couples. I can't give you. Why? I'm sorry. तू जानता है? Security. तू जानता भी है मैं कौन हूँ? हम चलते हैं यहाँ से। तू जानता है मुझे? Please छोड़िए मुझे। मेरे पिता कौन है पता है तुझे? आ जाओ। चलो। लेके जाओ इधर। तो ले जाओ। चलो बाहर चलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाहर ले जाओ security. चलो बाहर चलो। टांगे तोड़ दूँगा। आ जाओ बाहर निकलो। कौन है ये? ये यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिशियन का लड़का है, अपने पिता की कुर्सी के दम पर लोगों को परेशान करता है। हमें ये बात घर वालों को बताना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा मत करो, शादी में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या, मैं तो बताऊंगी। क्या कहोगी? हम यहाँ इवेंट करने के लिए आए हैं, हजारों वीआईपीज इस फंक्शन में शामिल हो रहे हैं, समझने की कोशिश करो, हमारी वजह से। नो कार्तिक, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है और मैं लड़की होके समझती हूँ, अगर नहीं बताया तो गलत हो जाएगा। मैं जाके उसे सब बता दूंगी। रिया, रिया। कार्तिक क्या प्रॉब्लम है? लक्ष्मी को पसंद करते हो क्या? हाँ करता हूँ। कब से करते हो? हाँ, जब से उसने रंगोली बनाई तब से। रंगोली बनाते वक्त गुड, वेरी फनी।
जब आप लोगों के मन में आएगा तो काम करोगे या तो नहीं करोगे। वॉट अ फेनोमिनल एग्जाम्पल। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। अगर ये मैरिज इवेंट अच्छे से हुआ तो उसकी वजह से हमारी कंपनी को गुडविल अच्छी मिलेगी, ये मैं सोच रहा था। माइकल वो यू शट अप। तुम्हारा काम क्या है? यहाँ बहुत सारी शादियां मीठी बातें करके मनाते हैं, ये सब सॉल्व करने वाली तुम कौन हो? वुमेन्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी हो? आई कांट बिलीव दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन बी सो स्टूपिड। माइकल, रिया ऊटी गई थी, ये वही लड़का है जानने के बाद, तब से ये इमोशनल हो गई। ऊटी में? हाउ डू यू गो टू ऊटी? फॉर व्हाट रीजन? व्हाई डिड यू गो टू ऊटी? बट अगेन इट इज none of my business, isn't it? And Riya, you are fired. That's a door. Go. Just go. Michael. Michael, for what? You want to get fired too? Hey, Riya. माइकल शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा। जरूरत नहीं है, प्लीज। आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग और अब मैं इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकती। आई एम गेटिंग मैरिड। बाय ऑल। मेरी शादी में सबको आना होगा। रिया। आई एम सॉरी रिया, आई कुडंट हेल्प। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कार्तिक, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। टेल मी। अगले हफ्ते जेंसन मुझसे मिलने आ रहा है। आई हैव टू बाय सम ड्रेसेस। तुम शॉपिंग करने मेरे साथ चलोगे? What? मुझमें कौन सा कलर अच्छा लगता है ये तुम जानते हो। प्लीज। ओके। नए हो क्या? नहीं तो। तुम्हारा घर कहाँ है? मंदिर के पास, वहीं रहता हूँ। तमिल हो? इंडियन। ओवर स्मार्ट। रेजिग्नेशन दे दो, ये बात मैं तुमसे कहना चाहता था। मैं वहाँ काम करती रहूं, आप यही चाहते हैं क्या पापा? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। फ्राइडे के दिन जेंसन और उसके पेरेंट्स तुमसे मिलने आ रहे हैं। दोनों के बीच फॉर्मल मीटिंग हो जाए तो एंगेजमेंट फिक्स कर देंगे,
नजदीक के रिलेटिव्स को बुलाने का निर्णय लिया है। ये एक स्मॉल फंक्शन, बट मैरिज शुड बी ग्रैंड। रीटा फोन उठाओ। हेलो दीदी। हाँ ऑफिस से फोन है, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। फोन किया तो पता चला सिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है। पापा मुझे अभी सिटी हॉस्पिटल जाना होगा, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। क्या? चाहे जो हो जाए तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारी शादी तय हो गई है, इस तरह बार बार घर से बाहर नहीं जाया करते। पापा आई वांट टू सी हिम। वो उसका कुलीग है, मिलकर आने दो ना इसे। लड़कियों को इन्हीं ने बिगाड़ रखा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो बेटी। कार्तिक, शर्लिन, यस 302। ओके। बेबी इधर देखो, ऐसा मत करो। हाय रिया। रॉनिक वेयर इज कार्तिक? ठीक है, उसको तो मेरी चिंता ही नहीं है, मेरी स्कूटर स्लिप हो गई थी, बस इतनी सी बात है। कार्तिक तो पहले अपने घर गया, मेरे सर पे दो टाके लगे हैं ना। हे दिस इज रॉनिक माय फियांसी। हेलो। एंड दिस इज माय स्वीट लिटिल एंजल। एंड यू नो रिया, यू गेटिंग मैरिड सून। रिया तुम जैसा सोची थी वैसा कोई रिलेशनशिप मेरे और कार्तिक के बीच नहीं है, नाउ वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन गलत समझकर आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करते हो, तो फिर मुझे वही डाउट आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो बट आई वॉज रॉन्ग, आप क्या कहते हो? या राइट। पापा आई वॉन्ट टू सी कार्तिक, आप मुझे कार्तिक के घर ले चलिए। इतने दिन मैं तुम्हारी बात मानता रहा, लेकिन अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वो सुनना होगा। तुम्हारी मैरिज होने वाली है, तुम्हें किससे मिलना है किससे नहीं मिलना ये हमारा फैसला होगा। अरे छोड़ तो। संभल के बेटा, दादी की उंगली मत तोड़ देना। ये लीजिए माँ जी, तुम्हारे मामा आज भी फोन किए थे, वरलक्ष्मी पसंद है क्या, पूछ रहे थे। वो अभी छोटी है माँ, मामा से कहो कि उसे अच्छे से पढ़ाए लिखाए। तुम बस यही चाहती हो ना कि तुम्हें एक अच्छी सी बहू मिले। जा उसके बेटा। लिए तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है माँ। सही कहा ना दादी। दादी क्या बात है बेटा, तुम्हारे दादाजी के साथ कभी लड़ाई हुई थी? हम हमेशा लड़ते थे। और एक बार तो 3 दिन तक बात भी नहीं की हमने। फिर क्या, तुम्हारे दादा मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकते थे। क्यूट जो इतनी हो। चल हट। आपके प्यार की शुरुआत कैसे हुई थी? उस समय आई लव यू यू लव मी कुछ नहीं था। तुम्हारे दादा मुझसे बहुत छेड़खानी करते थे। बदमाश। रास्ते पे चलते वक्त हम एक दूसरे से रोज मिलते थे, ऐसा क्यों ये समझ कभी नहीं आया। एक दूसरे को बिना देखे रह ही नहीं पाते थे। हम एक जगह मिलते थे, एक दिन तुम्हारे दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या?
समझ में नहीं आया? पागल हो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ए, कहाँ खो गया? ए कार्तिक, कहानी अभी बाकी है। हेलो हेलो रिया, आई वांट टू मीट यू टुमारो मॉर्निंग। अपने चर्च में। आओगी ना? हे रिया। हेलो। लॉन्ग टाइम। यू टू। टूरिज्म कोर्स खत्म हुआ? वो मैंने छोड़ दिया, अभी मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हूँ। टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, इनका कोई कनेक्शन है क्या? व्हाट अबाउट यू? इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट तो इंजीनियरिंग? सेम पेंच। मुझे घर जाना है, बिना किसी को बताए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, जाओ। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है क्या? कुछ कहना चाहता था, Now I am blank। जो कहना चाहते हो तुम कह क्यों नहीं देते? अंदर छिपा के क्यों रखते हो? कुछ बातें बिना बोले समझनी चाहिए। तुमने ही कहा था ना मुझमें इतनी समझ नहीं है। एक बेटर लाइफ मिलने के बाद पुरानी बातें भूल गई आसानी से कह सकते हैं। What did you say? अब तो तुम मुझसे किनारा कर रही हो, लेकिन इतने दिनों से तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी? मैं? नेवर। ऑफिस में मैं मॉडल्स को ग्रूम करते वक्त और चार्मी के साथ इंटरेक्ट करते वक्त और तो और वरलक्ष्मी से बात करते समय भी और क्लियरली जेलस। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे अंदर ना चाइल्डिश ईगो है। क्या तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है? तुम शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। कार्तिक प्लीज, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। रिया, हम दोनों में छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? मुझसे कहना चाहिए था ना? कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। आई वॉज इन शॉक, लेकिन तुम तो बहुत खुश थी ना, ऐसे में मैं कैसे बताता? नो, यू आर रॉन्ग, आई वॉज नेवर हैप्पी। तो तुमने अपने पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कार्तिक। हिम्मत तो होनी चाहिए ना। आई एम श्योर, मेरी बात सुनो, तुम उसे बता दो कि हम अलग नहीं हो सकते। आई कैन रीच योर माइंड। नो नो कार्तिक। हम पहली बार यहां मिले थे और यहीं पे पता चला था कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। अब अलग हो रहे हैं तो भी यहीं से। हमारी जिंदगी की खास बातें यहीं से हुई है। रिया, मैंने जॉब छोड़ दिया है। उस ऑफिस में तुम्हारा प्रेजेंस नहीं है तो मैं कैसे रह सकता था? Ah!
go, y'all. क्या हुआ? हाँ, बोट क्यों रोक दी? मैंने बोला था कार्तिक तुम दोनों कुछ ऐसा ही करोगे, ये मैं पहले से जानता था। रिया, तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा करोगी तो बहुत बड़ी गलती होगी। अमीना। हाँ साहब। वोट किनारे पे लो। पापा मैं तो स्टॉप इट। कार्तिक के बारे में जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझसे कहा कि तुम उससे नफरत करती हो, तुम्हारे दिल में नहीं है। कार्तिक, तुम ऐसा करोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड हूं, ये बात तुम कहते थकते नहीं थे कार्तिक। इसके आगे अब जो हम लोग फैसला करेंगे वही होगा। मेरे फिक्स किए हुए लड़के से ही तुम्हारी शादी होगी। नहीं अंकल, ये नहीं होगा। हमने पहले की तरह नहीं, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। आज के बाद हम अलग नहीं होंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार की बात है, यही बात है ना कार्तिक? अभी तो आप इसे ले जाइए, लेकिन ये किसी और से शादी नहीं करेगी, इस बात का मुझे भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है इस पर, आई एम श्योर। अच्छी बात, एक पिता के मन की बात तुम नहीं समझ सकते। अंकल, हमारे अंदर सिर्फ ईगो भरा था अंकल। बस इससे आगे माँ बाप को धोखा देने की कोशिश मत करो। मैथ्यूस, ये लो, ये इसके मैरिज एंगेजमेंट का इनविटेशन है, पढ़ो। पढ़ो। देखो, पापा डेट तुम लोग ही फिक्स कर लो। अरे तुम्हारी उम्र के हम भी थे, तुम दोनों को समझने वाला सिर्फ मैं और मैथ्यूस ही हैं। तुम दोनों के मन के अंदर की चाहत को बाहर लाने के लिए हमने प्लान किया एक फेक मैरिज।
राइट? हाँ पापा, प्लान कब किया था आपने? हाँ, तुम लोग की माँ को इस प्लान में हमने शामिल नहीं किया, इसमें हमारी हेल्प किसी और ने की है। हाँ। जॉनसन सेक्रिया, फ्रांस में जो लड़का रहता है उसी का नाम है जॉनसन सेक्रिया। एक्चुअली ये आइडिया किसका था, आपका था कि अंकल का था? हम दोनों का ही था। दोनों का। मैं संभाल लूंगा सर, पक्का। ओके शरीन। यस माइकल। कुंभकोणम से चिटियार ही फोन किए थे, उनकी बेटी की जिंदगी बचाई इसलिए वो अपनी बेटी की शादी अपने यहाँ पर करवाने की बात कर रहे थे वो। आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम बैक। दोनों को कॉल किया पर उठाए नहीं। But Michael... शेरिन, ये चांस हमें दोबारा मिल रहा है। Okay, okay. तुमसे एक झूठ बोला। हाँ? उस दिन ऊटी में तुम्हारा वो कंगन। पता है? कार्तिक रुको।